KGF 2 से सुपरस्टार बनने के बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यश भाई अपने अगली फिल्म के अनाउंसमेंट कर दो, प्लीज कर दो। फिर यश भाई बोले कि चलो इतना इंतजार कर रहे हो तो ठीक है यार, चलो एक पेप्सी का ऐड कर ही देता हूँ। बट इतना बड़ा स्टारडम फैन फॉलोइंग पाने के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही थी कि यश भाई भी बाकी सुपरस्टार जैसा बड़ा कोलैबोरेशन लाएंगे, बड़े बजट की फिल्म लाएंगे, यही सब लाएंगे। यार यश भाई बोले कि देखो यार, मैं बड़ा छोटा नहीं, एक अच्छी फिल्म लाने की कोशिश करूंगा, बाकी फिल्म में तो मैं हूँ तो वो अपने आप ही बड़ा हो ही जाएगा। अब देखो झूठ नहीं बोलूंगा, भले बुरा लगे किसी को, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर दिए फिर भी वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ते। यार स्टारडम का असली मजा तभी आता है जब एक एक्टर रिस्क ले और कुछ ऐसा लाए जिसको देख के यार सिनेमा में मजा आए। एनीवेज तो फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म होती है और यश भाई की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट आज आ जाती है। ये वही न्यूज है जिसके बारे में 6 महीने पहले मैंने बताया था कि यश भाई इस बार कोलैबोरेट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ। एंड इस फिल्म का अब नाम दिया गया है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। भाई मेरे को ये सुन के तो डर लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे को एनिमल की वाइब आ रही है और ये कोई अलग ही जानवर है। मैं शौक इस बात को हूँ कि जिस हिसाब का टाइटल है, जिस हिसाब का ये लिखा है, ये इसको डायरेक्ट कर रहा है कोई फीमेल डायरेक्टर, तो ये अपने आप में ही बहुत अलग भी बात होगी और बहुत इंटरेस्टिंग सा भी हो गया। भाई साहब मैं इतना ही कहूंगा कि प्लीज ट्रस्ट यश भाई, वो इतना क्लेवर सुपरस्टार है, जब उसने इतना टाइम लगा लिया फिल्म अनाउंस करने के लिए ताकि ऑडियंस का टाइम वेस्ट ना हो फिल्म देखते देखते, इतना याद रखो उसने बहुत ही सोच समझ कर ये फिल्म साइन की है। और देखो मजे की बात यह है कि इस फिल्म में 3 हीरोइन होने वाली है, तो आप इतना समझ लो कि आपके लिए हो या ना हो, बट यश भाई का KGF 3 भी यही पे हो गया समझो। अब इस टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में BGM प्लस लुक तो एक अच्छी वाइब दे रहा है, बस एक ही चीज मेरे को खराब लगा, वो ये है कि भाई साहब बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस फिल्म को लेके, वो भी 1.5 साल। बाकी ठीक है चलो, तब तक यश भाई कोई ऐड ही ला देंगे ना, देख के काम चला लेंगे। तो ओवरऑल मेरे को तो कड़क लगा, आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा। एंड मैं अब भी बता दे रहा हूँ ये बहुत ही हटके प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।